असलम दोस्तों, मैं हूँ साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपसे आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार जामिया मिल इस्लामिया आरसीए का रिजल्ट निकाल दिया। आरसीए के रिजल्ट आ चुका है, जामिया मिल इस्लामिया ने आरसीए के रिजल्ट ला दी। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आरसीए का रिजल्ट कब आएगा, आरसीए का रिजल्ट आ चुका है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आरसीए का रिजल्ट आ गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे एडमिशन होगा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, कैसे आरसीए के रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं, कैसे अपना नाम देखेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कब आपका बुलावा है, ए टू जेड आपसे बात करने वाला हूँ बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं। तो देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे। देखिए वेबसाइट हमारा ओपन हो चुका है, ये पहला लिंक पर हम क्लिक करेंगे। वेबसाइट को भी आपको ओपन करके दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए वेबसाइट के लिए आपको ओपन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे jmi.coe, उसके बाद सर्च कर देंगे, एंटर करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लिक कर देंगे, स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल अप करेंगे ये एडमिशन सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जब ऐसा इंटरफेस आपका आ जाएगा, इसको जूम कर लेते हैं, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक एक चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आप देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जामिया मिल्लिया इस्लामिया बाई मिस्टेक हो गया है। चलिए ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा भी है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। देखिए जामिया मिल्लिया हो गया, ठीक है। खैर इस पॉइंट को छोड़ते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। सिलेक्टेड ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्री कोचिंग, इसमें देखिए क्या करें, फ्री कोचिंग है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024-25। 14 तारीख को रिजल्ट आया है, यानी 16 को अपडेट हुआ है, 14 से आपको डेट दिखा रहा है, यानी ये रिजल्ट 16 तारीख को आया हुआ। कह रहे इसके बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी आरसीए सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली फॉर फ्री कोचिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 बेस्ड ऑन देयर एडमिशन टेस्ट स्कोर्स एंड इंटरव्यूज। कह रहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है फ्री कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करा रही है, और बेस्ड ऑफ जो उनका टेस्ट हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, उस सारे स्कोर के हिसाब से उसके ब्याप पे ये रिजल्ट वो निकाली है, आउट किया है। कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फॉर द एडमिशन टू द ऑफिस ऑफ द आरसीए जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। सबको आपको ऑफिस जाके रिपोर्ट करना है अपने एडमिशन के लिए, ठीक है। और रिपोर्ट का डेट क्या है उसके ऊपर बता रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि रिपोर्ट करना है तो कब करना है, लेकिन आपको सेकेंड पॉइंट में इसको क्लियर कर दिया है। ये रिपोर्ट का डेट आपको जिस दिन एडमिशन बुलावा है, कह रहा था सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी ऑन 16, 17, 19 and 20 अगस्त 2024। कह रहा है कि देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का एडमिशन का प्रोसीजर फॉर्मेलिटी पूरी होगी आरसीए का 16 को, 17 को और 19 एंड 20 को। देखिए 19 को मंडे है, रक्षाबंधन है, लेकिन जामिया इस्लामिया कॉलेज स्कूल दोनों बंद है, लेकिन आपको आरसीए को एडमिशन कराने आप जा सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया 19 को ओपन है ओनली फॉर द आरसीए गेटिंग एडमिशन, आरसीए एडमिशन देने के लिए। कह रहा है फेलिंग विच देयर सीट विल बी ऑफर टू वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स। कह रहा है कि अगर कोई लिस्ट है, जैसे कोई बच्चे का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आया और वो अपना एडमिशन किसी वजह से नहीं ले पाते, नहीं पहुंच पाते, या डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सीट वेट लिस्टेड स्टूडेंट को चला जाएगा। किन किन बच्चे का नाम आया बिल्कुल वन बाय वन डिस्कस करने वाला आपसे, नीचे चलते रहेंगे, स्क्रॉल अप करते रहेंगे और एक एक चीज़ को क्लियर करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दोज सीकिंग एडमिशन शुड सबमिट अ नॉन वर्किंग एफिडेविट एंड हैव टू अवॉइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आरसीए, यानी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। कह रहा है कि सारे स्टूडेंट को अपना एक नॉन वर्किंग एफिडेविट सबमिट करना कि आप कहीं भी वर्क नहीं करते, वर्क फ्री है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है वेट लिस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू आरसी ऑन 22 अगस्त 2024 फॉर रजिस्ट्रेशन। अब क्या होता है कि जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है
आपको 22 अगस्त 2024 को रजिस्ट्रेशन करना है कि भाई आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिन बच्चे का वेट लिस्टेड में नाम आया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज अलॉन्ग विथ 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कह रहे जो बच्चा सिलेक्ट हुआ एडमिशन के लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है, कह रहे जितने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ लाना है। इसको डिटेल में दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी कराकर उस पर क्या करना है, आपको अपना साइन करना है। यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी का मतलब होता है कि उस फोटो कॉपी पे आपको अपना साइन करना होता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट कह रहा है क्या लेकर आना है, RCA JMI रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम देने के लिए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाना है। सेकेंड पॉइंट कर RCA JMI एडमिट कार्ड, उस एडमिट कार्ड की बात कर रहा कि जो आप जिससे एग्जाम दिए थे RCA का। थर्ड पॉइंट कह रहा ऑल रिलीवेंट डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड एज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। जितने भी आपके डिग्रीज है सर्टिफिकेट है उस सबको लेकर आना है, आपको फोटोकॉपी के साथ उस पर अपना सिग्नेचर होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट क्या करा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लेकर आना है। यानी इसमें डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहा है। कुछ जगह क्या होता है कि 10th का बर्थ सर्टिफिकेट मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग रहा है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर आप OBC ST SC हैं तो आपको अपना ओरिजिनल वैलिड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर आना है। ठीक है, यानी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। आप कह रहा है सिक्स पॉइंट, फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो PWD का स्टूडेंट है उनको अपना PWD सर्टिफिकेट लाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सेवन पॉइंट कहता है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस एज मेंशन इन द फॉर्म, आपको परमानेंट एड्रेस प्रूफ ले जाना है जो कि आपने फॉर्म में डाला है। अब मान लीजिए फॉर्म में परमानेंट डाले, होता है कि जैसे मान लीजिए जिस लोकेशन पे आप वो डाल दिए हैं और फिलहाल के तौर पे आपका आधार का जो एड्रेस है डिफरेंट है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, उससे आपका काम चल सकता है, चल जाएगा। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। कोई भी एडमिशन प्रॉब्लम होता है तो आप हम लोग से कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने की कोशिश करें, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को शट आउट करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट एट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, वो भी लेटेस्ट, फिलहाल को विद इन 6 मंथ, 6 महीने के पहले का होना चाहिए, 6 महीने के बाद का नहीं होना चाहिए। एक एक चीज पॉइंट से बारीकी से समझ ले, नहीं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 9th नंबर, कॉपी ऑल अटेम्प्टेड क्लियर UPSC सिविल सर्विस से मार्कशीट, यानी आपको जो सिविल सर्विस का आपने अगर पेपर अटेम्प्ट किया है और क्लियर किया तो उसका मार्कशीट लाना। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्लियर नहीं कर पाते तो उनको नहीं लाना। जैसे यहाँ पे देखिए वैलिड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अब कुछ बच्चा जनरल ऑन रिजर्व है कहाँ से लाएंगे, उनको नहीं देना है। PWD, कुछ बच्चे PWD नहीं होते, OBC होते हैं तो कहाँ से PWD के देखते हैं, जनरल वाले वो भी नहीं देंगे, ऑन रिजर्व बोलते हैं। तो जो ये उनके लिए जो उन्होंने दिया है, 9 पॉइंट क्या करा है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम दिया है अटेम्प्ट किया है उसको देना है। अगर जो नहीं दिया नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, जो नहीं दिया नहीं देना, कोई इशू नहीं है। पॉइंट 10 कहता है कि डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 6,000 इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के नाम से 6,000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है जामिया मिल इस्लामिया। यानी सिर्फ रजिस्ट्रार नहीं लिखना है, रजिस्ट्रार के आगे कॉमा लगा के जामिया मिल इस्लामिया पेबल एट न्यू दिल्ली टुवर्ड्स मेंटेनेंस चार्ज ऑफ 1,000 पर मंथ बिंग पेड इन द एडवांस फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। यानी ये जो 6,000 लिया जाएगा आपको एज ए एडवांस मेंटेनेंस, ये जो 6,000 आपसे जामिया मिल इस्लामिया ले रही है, ये मेंटेनेंस चार्ज है आपका, जो पर मंथ 1,000 होता है 6 मंथ का एडवांस चार्ज ये ले लेती है। ठीक है, 11 पॉइंट करता है 7,000 रिफंडेबल एज ए सिक्योरिटी मनी इन द फॉर्म ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जामिया इस्लामिया पेबल एट न्यू दिल्ली। अब क्या कह रहा है कि इसके अलावा आपको 7,000 और देना है जो कि ये रिफंडेबल होता है, सिक्योरिटी मनी होता है, ये भी डिमांड ड्राफ्ट बना रहा है, रजिस्ट्रार के नाम से जामिया इस्लामिया लिखना और न्यू दिल्ली भी लिखना, ये आपका
रिफंडेबल होता है, ठीक है। एंड पॉइंट 12 कहता है एफिडेविट अंडरटेकिंग फॉर नॉन वर्किंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको एफिडेविट देना है, जैसे अंडरटेकिंग का आपका देना है कि आप नॉन वर्किंग यानी अनएम्प्लॉयड हो, यानी आप काम नहीं करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड नहीं होना है, नॉन एम्प्लॉयड होना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इशू आ रही है, तो हेल्पलाइन नंबर पर फर्दर क्यूरीज कर सकते हैं। जैसे आप आबिद सर को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर दिया हुआ है, अथर सर को कर सकते हैं, मोहम्मद शाद सर को कर सकते हैं। तो ये तीनों नंबर पर आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। आप इनसे कॉल जरूर, आप एडमिशन लेने से पहले, आप जाने से पहले इस नंबर पे 100% कॉल कर ले। कॉल करना कंपलसरी है, कोई भी इशू आ सकती है, आपको तो पता नहीं है, और जब जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए वेकेशन का टाइम चल रहा है, आप मंडे को कॉल कर लीजिए, ठीक है, मंडे को कॉल कर लीजिए। एडमिशन स्टार्ट वैसे इनका हो चुका, डेट ऑफ एडमिशन 16, 17, 19, 20 और 21 अगस्त 2024 को है। वेट लिस्टेड कैंडिडेट का 22 अगस्त 2024 को एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट का 27 अगस्त 2024 को होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल था। अब देखते हैं कौन कौन से बच्चे का नाम आया, एक बार उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्टेड लिस्ट का बच्चे का कैंडिडेट का नाम है। आप वीडियो को पॉज करके आगे का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि किस बच्चे का नाम आया, किसका नहीं आया, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड किया जाएगा आपको बताया गया है, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड किया जाएगा बताया गया हुआ आपको। टोटल 9 पेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आप पॉज करके अपना रोल नंबर वगैरह देख सकते हैं। सारी चीज़ इस तरह आसानी से अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सर्ट आउट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो जामिया कोचिंग सेंटर आप कनेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालें, आपकी प्रॉब्लम को दूर की जाएगी। और ये भी आपको एंड स्क्रीन पर दिखा रहा होगा कि डायरेक्ट एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कैसे होता है, वो भी बताया गया। और आई बटन पर जरूर जाके देखिए, उसमें इंडिया का एंड दिल्ली एनसीआर का, दिल्ली का जो भी डीयू है, इन सारे कैंडिडेटों को बताया गया कैसे इनका डायरेक्ट एडमिशन होता है, आई बटन में बताया गया। और ये लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो पीडब्ल्यूडी से जिनका हुआ है, ये उनका नाम आया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे वेट लिस्टेड कैंडिडेट का भी नाम देख सकते हैं कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट कितना है। वेट लिस्टेड कैंडिडेट जो है, आप देख सकते हैं कि आपको वेट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम 25 आया और पीडब्ल्यूडी का वेट लिस्टेड जो कैंडिडेट है वो 5 है। तो ऐसा अगर एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।